ये देखो यहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, तो ये चीज भाई देखो सेल्फी पॉइंट, ये अभी नहीं था 2-3 घंटे पहले। तो गाइज ये जन्मभूमि पर जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, रात के 11 बजने वाले हैं, ठीक है। ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हवा चल रही, तो ये जन्मभूमि पर था। यहाँ पे जो रोड पड़ गई थी 2-3 दिन पहले, अब इस पर जो वाइट कलर की पट्टी है ना उनको डाला जा रहा है। हेलो गाइज, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि अभी हम लोग बैठे थे अपने रूम पे, तो मैंने सोचा चलो आज आपको नाइट का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि आज 18 तारीख है, ठीक है, और 19 तारीख बस बीच में है। फिर 20, 21, 22, 23 तक यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारेगा, ओनली फोर्स ATS के अलावा। तो मैंने सोचा अपनी जो यूट्यूब फैमिली है ट्रेवल विद रजत की, इसको नाइट का व्यू दिखाया जाए जन्मभूमि पर मेरे पीछे। और जो आप देख रहे हैं ये दो स्तंभ है, और जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, और रात में लाइटिंग का नज़ारा कितना है, और कितना यहाँ पे रश है, कितनी भीड़ है, इन सब के बारे में ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। अगर आप गाइस चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट में कुछ नहीं लिखना, कमेंट में लिखना जय श्री राम और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ये सारी कमेंट कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको सिनेमैटिक ब्लॉग देते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं युद्ध स्तर का काम चल रहा है अभी रात में भी, ठीक है, 11 बजने का टाइम है, और रात में भी ये जो छोटी सी मशीन देख रहा हूँ जो रोड डाल रही है रात में भी, तो भाई मैं बता रहा हूँ 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है, शिफ्ट लग रही है, ठीक है। जो यहाँ के वर्कर है उनको बिल्कुल टाइम नहीं है, बस खाना खाते और काम पे लग जाते हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये है प्रवेश द्वार, एक स्तंभ है, तो नाइट का नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, जो लाइट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसको चार चांद लगानी खूबसूरत बनानी। बाकी मैं बात करूँ तो रात में भी यहाँ पे जो सड़क बन रही है, वर्कर सारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए आपको जन्मभूमि पथ की अपडेट देते हैं और रात में कैसा लगता है राम मंदिर। बाकी ये स्तंभ है तो इसमें वही पत्थर यूज हुआ है जो राम मंदिर में लगा, ये देखो कितना अच्छा मार्बल ये है, और LED लाइट कुछ इस तरीके की है, ठीक है। बाकी डिज़ाइन वगैरह आप चेक करो, ये स्तंभ है राम मंदिर के। बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। 11 बजे भी है यहाँ पे, देखो लोग फोटो वगैरह क्लिक कराने आते हैं, हालांकि मंदिर तो बंद हो गया। ये देखो भाई रात का नज़ारा, जन्मभूमि पथ पे अभी हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे भी जो फर्श वगैरह पड़ी है। ये देखो भाई, मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना टाइम हुआ यहाँ पे वाले हैं, और यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है टायर फाड़ने के लिए बनाई जा रही है, कि जिसको परमिशन होगी भाई कार लेके अंदर जाएगा, जिसको परमिशन नहीं होगी वो कार लेके नहीं जा सकता। जो इसमें नुकीली कीले हैं ये टायर फाड़ देंगी, बाकी ये ग्रिलिंग ये है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। 10:30 बज गए हैं, 10:30 हुए हैं, और जन्मभूमि पथ का नज़ारा चेक करो, फोर्स लगी हुई चारों तरफ। बाकी यहाँ पे एक अपडेट मैं दूँ, ये देखो यहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है ये, तो ये चीज़ भाई देखो सेल्फी पॉइंट, ये अभी नहीं था 2-3 घंटे पहले, इसको जस्ट अभी लगाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन गया जस्ट अभी, ये जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और लिखा हुआ जय श्री राम। बस इसको यहाँ के लोग जो नीट और क्लीन रखे, जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे वो भी उसको दूर से फोटो वगैरह क्लिक कराए तो ज़्यादा बढ़िया। बाकी UP के CM और UP के PM की फ़ोटो के साथ श्री राम जी की फ़ोटो के, बाकी जो श्री राम मंदिर है उसको पूरा दर्शाया गया। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, और जन्मभूमि पथ कुछ इस तरीके से, ये जो शेड है, बाकी ये रात का नज़ारा यहाँ का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी उतने लोग नहीं है, हल्का सा कोहरा भी आ गया। चलिए चलते हैं, और यहाँ पे जो है रोड बन रही है, ये वाली रोड है ना जो जन्मभूमि पथ स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है, ये बन रही है, और वो वाला पैदल यात्रियों के लिए आने जाने के लिए, और ये वाला जो है इसमें कार वगैरह VVIP के लिए, सबके लिए नहीं भाई VVIP के लिए बस। बाकी एक पथ ही है, और ये बाउंड्री वॉल कुछ इस तरीके की लगती है रात में दूधिया रोशनी में। तो चलिए आगे चलते हैं, और जन्मभूमि पथ को आज नाइट का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं बात करूँ तो साफ़ सफाई की, देखो भाई काम चल रहा है, दिन रात काम चलता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया रात में भी ड्यूटी लगती है आप लोगों की? रात में भी ड्यूटी है? अच्छा, 1 घंटे बाद छुट्टी है, मतलब शिफ्ट के साथ काम कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ भैया शिफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, और रात में भी ये लोग भाई देखो लगे हुए हैं। बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह 3 सेट में जो लाइट लगी ना ये बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये है जन्मभूमि पथ, श्री राम जी का जो भी मंदिर है वो यहाँ से करीब 500-600 मीटर है। तो यहीं से होते हुए आप जाएंगे श्री राम के जयकारे लगाते हुए। बाकी यहाँ पे जो व्हाइट पट्टी डाली जा रही है, जैसे हाईवे पे व्हाइट पट्टी पड़ी होती है,
तो उस पिकअप में उसका मटेरियल है वो पट्टी डाली जा रही है। चलिए आपको आज नाइट का व्यू देते हैं जन्मभूमि पथ का, और अभी उतनी भीड़ नहीं। जय श्री राम। तो गाइस मैं फिर से एक्सप्लोर करने आ गया जन्मभूमि पथ को। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि नाइट में जो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे, और नाइट में प्रभु श्री राम का जो जन्मभूमि पथ द्वार है वो कैसा लगता है। तो यहाँ पे अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के वर्कर्स हैं, जो फोर्स है भाई आपको टहलते दिख जाएगी। मेरे पीछे देखो यहाँ पे सन्नाटा पड़ा हुआ है और रात का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है भाई। तो कमेंट में लिख देना जय श्री राम। बाकी एक्सप्लोर करते हैं जन्मभूमि पथ को, और ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये कैप लगा रखी है, क्योंकि भाई मैं रूम से निकला था ना तो एकदम, और हल्का सा कोहरा टाइप से भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी रात में भी काम चल रहा है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो सब सड़क बनी हुई है उस पर पट्टियाँ डाली जा रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी जो है बहुत ही नज़दीक है। और आई होप आप लोग आएंगे 22 जनवरी के बाद, तो अपनी आंखों से राम मंदिर को देखना। मतलब वर्ल्ड में सबसे सुंदर मंदिर अगर बनना है तो श्री राम मंदिर बनना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप बोलेंगे, आके आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे ना, दर्शन करेंगे, उसको देखेंगे, तो आप सच में मतलब आपके पास वो वर्ड नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे कि हम कैसे तारीफ करें। अभी तक मुझे लगता है ताजमहल सबसे सुंदर है, लेकिन भाई ताजमहल बिल्कुल फीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज़ है उसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो बाकी आप कमेंट करके बता देना। और पीछे है श्री राम जन्मभूमि पथ, और ये टीन सेट बनाए गए। तो चलिए आगे दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे अभी भी भीड़ है, जो यात्री लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बाकी साफ़ सफाई की बात करूँ ना तो बहुत ही नीट और क्लीन है। तो मैं बस इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ, छोटा सा ब्लॉग होगा, कि इसमें मैं दिखाऊंगा कि रात में श्री जन्मभूमि पथ कैसा लगता है। और ये जो ये खाली खाली जगह देख रहे हो ना भाई, ये 22 जनवरी के बाद प्रॉपर रस रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए ये टीन सेट बनाए गए कि जो लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो धूप में और बारिश में, तो वो बैठ सकते हैं यहाँ पे। और CCTV कैमरे लगे, सिक्योरिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा गया। बाकी जो मेरे पीछे जो पेड़ है ना, इसमें बहुत ही प्यारे जो कैंडल्स लगाए गए वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे लगता है कि चिड़िया के घोंसले हों। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कर। यहाँ पे काम कितनी तेज़ी से चल रहा है आप देख सकते हैं, पीछे जेसीबी खड़ी, जेसीबी के पीछे एक छोटी सी पिकअप खड़ी, जो वाइट कलर की जो पट्टी है वो इस रोड पे पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये VVIP लोगों के लिए कार सड़क बनाई गई, जिनकी VVIP लोग ही आ सकते हैं, बाकी और नहीं, क्योंकि बैरिकेड वगैरह लगा दिया गया है वहाँ पे, और रात का नज़ारा कुछ ही है। तो भाई मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, बाकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जन्मभूमि पथ पे वो ये, अभी आप आएंगे तो आप भी देखेंगे पेड़ों में जो है ना कैंडल टाइप के लगा रखे, भाई ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये जो है धर्म पथ पे भी है लगाई हुई है, लेकिन मंदिरों ने कुछ तोड़ दिए हैं, तो ये ऐसा लगता है दिन में कि चिड़िया के घोंसले वगैरह हों, लेकिन ये लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बाकी ये है जन्मभूमि पथ, और हम चल रहे हैं अभी श्री राम मंदिर की तरफ, श्री राम जन्मभूमि की तरफ। बाकी रात में नज़ारा भाई मनमोहक है यहाँ का। और ये जो जितना आपको जो साइडें खाली दिख रही हैं, इन सब पे प्रॉपर फूलों से जिनको सजाया जाएगा 22 तारीख के लिए। मैं आज राम मंदिर अंदर दर्शन करने के लिए गया था, तो भाई कम से कम 8 से 10 ट्रक गेंदे का फूल था, मतलब भाई चट्टा लगा हुआ था वहाँ पे, करीब 400 से 500 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे फूलों के लिए। इस टाइप से भाई तैयारी चल रही है 22 तारीख की, बिल्कुल अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। तो बस 50 मीटर पे राम मंदिर, बाकी नाइट का नज़ारा देखो कितना प्यारा है और कितना नीट और क्लीन है जन्मभूमि पथ। बाकी ये देखिए टीन सेट पड़े, इनमें भी लाइट लगी गई है, कैमरा लगे हैं, और बाकी यहाँ पे ओनली वर्कर ही टहल रहे हैं, बाकी जो इतने क्रिएटर हैं वो सब टहल रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको ब्लॉग अच्छा लगे, और कमेंट में कुछ नहीं लिखना आपको, बस लिखना है जय श्री राम। बाकी जितने भी संत लोग आए हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, ये लॉकर है यहाँ पे टीन है, तो जितने भी संत लोग वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। भाई खुले में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने प्रभु राम जी का वेलकम करने के लिए। बाकी देखो भाई नाइट में भी यहाँ पे झाड़ू लग रही है बिल्कुल, एक भी मतलब एक छिक्कल भी नहीं पड़ा रहना चाहिए भाई, ठीक है। मुझे लगा दिन में 3-4 बार तो वो मशीन लगाती हुई झाड़ू, बाकी जो शिफ्ट से जो सफाई कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और 11 बज रहे हैं, तो भाई दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, और अयोध्या को बिल्कुल चमका के रख दिया इन लोगों ने। अब आज से 3 दिन है प्राण प्रतिष्ठा के, बाकी काम अभी भी चल रहा है, आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी। और डेकोरेशन शायद कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से ही आम पब्लिक के लिए बंद हो जाएगा। सामने देखो वहाँ पे बेल्डिंग वगैरह हो रही है। अब हम पहुँच गए अमावा राम मंदिर के पास। देखो भाई यहाँ पे 11 बज रहे हैं, लेकिन इनको काम पूरा करके देना ही देना है। तो यहाँ पे भी देखो पत्थर लगाए जा रहे हैं, ये देखो भैया कितने बजे तक आप काम करेंगे लगभग? अच्छा 12 बजे तक, मतलब आपको कंप्लीट करके देना ही देना है ना।
पूरा करना ही है। देखो यहाँ पे जो बन गया था ना ये रोड, इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि तोड़ा इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे बैरिकेड लगे भाई, यहाँ पे काम रहेगा कोई राहत नहीं। लेकिन ये अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि इनको प्रभु राम जी का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये जन्मभूमि पता नहीं ये वाला, इसमें जो कहीं पे कोई दिक्कत रहती है, कहीं पे कोई सेटिंग बिगड़ जाती है, तो उसको दोबारा से तोड़ के ये लोग सही करते हैं। तो यहाँ पे ये लगेगा बैरिकेड ये वाला, इसीलिए इसको ये बना रहे हैं भाई। इधर ड्रिल मशीन चल रही है, इसको रोड तोड़ने का पूरा काम चल रहा है ये। तो गाइस हमने एक्सप्लोर किया जन्मभूमि पथ को, आपको नाइट का नज़ारा दिखाया, और गलन हो रही बहुत ज़्यादा भाई, बिल्कुल मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो जैसा कि आपने देखा पीछे अभी भी सफाई का काम चल रहा है मशीन के द्वारा, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी लाइट लगाई गई है, डेकोरेशन फूल की नहीं हुई है, वो शायद कल या परसों होगी। तो आई होप गाइज आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे द एंड, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो गाइज कमेंट करके बताना आपको नाइट का नज़ारा कैसा लगा, और काम यहाँ पे भाई युद्ध स्तर पे चल रहा है, किसी वर्कर को कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस अपना काम पूरा करके आपको देना। तो पीछे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है अमावा राम मंदिर, वहाँ पे भी सारा डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो कुछ इस तरीके का रात में दिखता है जन्मभूमि पथ। तो मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।